हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग स्कर्ट अम्ब्रेला, जो कि आजकल काफ़ी चल रही हैं, क्रॉप टॉप के साथ पहना जाता है उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर देखने के बाद थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन भी आप ज़रूर दबाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फैब्रिक है जो कि मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ, और ये इसका जो मैं लाइनिंग यूज़ करने वाली हूँ, इसके लिए मैं जो कलियों वाला होता है वो घेर बनाऊंगी, और ये 2 मीटर है, 2 मीटर में आराम से बन जाएगा। और ये मेरा फैब्रिक है जो कि पूरा 5 मीटर है, और जो आपका पूरा घेर होता है अम्ब्रेला का वो 5 मीटर में आराम से बन जाएगा आपका। तो ये इस तरीके से यहाँ से शाइन है। मैंने थोड़ा सा ना इसको 4 फोल्ड करके पिनअप कर रखा है, क्योंकि बहुत ही ये स्लिपरी है कपड़ा, इसलिए। तो सबसे पहले मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो स्कर्ट है इसमें हम कोई इलास्टिक नहीं लगाने वाले, जो कि आपकी राउंड में कमर है जहाँ पे आप नाड़ा बांधते हैं वहाँ पे आपको पूरा राउंड लेना है मेज़रमेंट बॉडी पे, और पूरा प्रॉपर मेज़रमेंट ही चाहिए होगा इसमें, क्योंकि इसमें हम इलास्टिक नहीं लगा रहे। और इसमें जो है मैं खाली वेस्ट का ही मेज़रमेंट चाहिए, क्योंकि इसमें साइड में जिप आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपको आएगा नहीं, साइड में जिप लगेगी इसके। तो हमारा जो फुल लेंथ है वो 40 इंच है कमर से लेके नीचे फ्लोर तक, इसमें 1 इंच प्लस किया तो ये 41 हो गया, जिसमें से भी 2 इंच बेल्ट का इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये रह जाएगा 39। हमें कपड़े की लेंथ लेनी है, इसमें वेस्ट हमारा 42 है, तो जिसका चौथा हिस्सा हमें 10.5 लेना होगा। तो चलिए पहले जो हमारा लाइनिंग का है, कलियां कटेंगी वो काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कपड़े को मैंने जो लाइनिंग में लगाना है, कलियां काटनी है इसकी, और इसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा के रख दिया है। तो 2 फोल्डेड साइड मेरी तरफ है, वहाँ से पूरा खुला हुआ है चारों तरफ से। तो यहाँ से हम पहले कमर निकालेंगे, और फिर यहाँ से कमर निकालेंगे, और इस तरीके से मिला देंगे। तो जैसे कि चौथा हिस्सा हमारा 10.5 आया, तो उसका भी आधा लेना है, मतलब कि पूरी कमर का 8वां हिस्सा आपको यहाँ से लेना है, जो कि हमारा 5.25 इंच होगा, 5.25 इंच यहाँ से, 5.25 इंच उस तरफ से। तो 5.25 का हम 6 इंच कर देते हैं, क्योंकि आपस में कलियाँ ज्वाइंट भी होंगी तो उसके मार्जिन के लिए। तो ये देखिए पूरा 6 इंच मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और 6 इंच मैं यहाँ से ले लूँगी इस तरीके से। तो 2 कलियाँ हमारी फोल्ड निकलेंगी, और 4 कलियाँ हमारी उस तरीके से खुली हुई निकलेंगी। जो एक बीच में कली रहेगी वही फोल्डेड रहेगी, साइड में 1 कली इधर, साइड में 1 कली इधर, मतलब कि 3 बैक की और 3 फ्रंट की कलियाँ जुड़ेंगी एक दूसरे से। अब इस निशान को और इस निशान को मैं बिल्कुल सीधा मिला लूँगी, तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से जो फोल्ड साइड है इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात मैं भूल गई हूँ आपको बताना, कि हमको सबसे पहले लेंथ नापनी थी। वैसे मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग इसको रखा है, जैसे कि हमारी लेंथ पूरी बन के तैयार 40 है, तो इसको अपने जो मेन फैब्रिक है उसे 2 इंच छोटा ही रखें। तो जैसे कि ये देखिए हमने 38 इंच लिया हुआ है, 1 इंच ये फोल्ड भी हो जाएगा यहाँ से। मेन फैब्रिक हम 39 का काटेंगे, और ये बन के यहाँ पे 37 हो जाएगा, और ऊपर जब बेल्ट लगाएंगे तो ये पूरा 39 का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से भी हम कटिंग कर लेते हैं, इसको नीचे से गोलाई दे दें इस तरीके से। जब आप मिलाएंगे पूरा प्रॉपर, ये कोना आपको दिख रहा होगा, इसकी कटिंग कर लें। और ये वाली जो कलियाँ हैं हमारी इस तरीके से इस तरफ आ जाएंगी, इसका भी आप काट लें यहाँ से। इसको प्रॉपर इस तरीके से मिलाना है आपको, और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो 4 कलियाँ हमारी ये हो गई, और 2 कलियाँ हमारी ये हो गई जो कि फोल्डेड कलियाँ हैं। ये वाली कली हम इस तरीके से खोलेंगे, तो एक सिंगल कली यहाँ पर करके हम इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए जो हमारा मेन फैब्रिक का अम्ब्रेला कट है उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अम्ब्रेला कट काटने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पेपर पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये समझ लीजिए मेरा पूरा 5 मीटर फैब्रिक है, लंबाई में मैंने इस तरीके से बिछाया हुआ है। इसको पहले इस तरीके से फोल्ड किया,
फिर इसको इस तरीके से फोल्ड किया। इस तरीके से हमारी फोर लेयर हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो है अपना कमर का चौथा हिस्सा लेना है जो कि 10.5 है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम 10.5 इंच ले लेंगे। अब बाकी जो हमारी लेंथ है जो कि 39 हमें लेनी है फैब्रिक पे, तो हम यहाँ से लेंगे 39 एक बार यहाँ से नाप लेंगे कहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इंची टेप से नाप लूँगी कितना आ रहा है, फिर यहाँ पे इंची टेप रख के पूरे में इतना ही ले लूँगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब मैं फैब्रिक पे भी आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरे 5 मीटर कपड़े को मैंने इस तरीके से बिछा लिया है। यहाँ से ऊपर से आप देख रहे होंगे पूरा यहाँ पर फोल्ड है और ये वाली साइड और ये वाली साइड खुला हुआ है। तो हम अपनी कमर का निशान यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से फिर लेंथ नापेंगे और पूरी उसी लेंथ पे जो है कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जॉइंट आएगा थोड़ा, क्योंकि हमारा ये लेंथ तो पूरा पड़ जाएगा, ज़्यादा है, पर ये लेंथ हमारा थोड़ा कम है तो यहाँ पर जॉइंट आएगा। तो चलिए पहले हम कमर का नाप लगा लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमें ये 4 फोल्ड में पड़ा है तो चौथा हिस्सा लेना है जो कि 10.5 आएगा। तो इस तरीके से गोलाई में लेना है। चलिए लगा लेते हैं निशान। तो इस तरीके से मैं 10.5 यहाँ पे ले लूँगी, 11 कर लेती हूँ क्योंकि साइड से भी सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से मैं रखूँगी इसको, एक निशान यहाँ पर और एक निशान यहाँ पर लगा लूँगी। अब इंची टेप से नाप लूँगी ये कितना आ रहा है, 7.5 ये आ रहा है और 7.5 ये आ रहा है। बीच में भी हमें यहाँ पर 7.5 पे निशान लगाना है, इस तरीके से कोने से लेना है और इसको पूरा राउंड में मिला देना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, तो अब मैं यहाँ से रख के पूरा 39 नीचे तक नाप लूँगी। तो यहाँ पर जो है हमारा 39 आ रहा है। अब इसी निशान को मैं बिल्कुल कॉर्नर जो है हमारा ये वाला यहाँ से भी नाप लूँगी एक बार कि ये कितना आ रहा है। तो ये देखिए 46.5 आ रहा है। तो ऊपर से ही पूरा मैं नाप के पूरी गोलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है इतना तक आ रहा है, बाकी आगे जॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। तो मैं बता देती हूँ आपको कितना जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये 41.5 आ रहा है, तो इतना हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा पूरा इस तरीके से। तो चलिए पहले तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको जॉइंट का भी बताऊँगी। तो फ्रेंड्स कटिंग हमारी हो चुकी है पूरी अम्ब्रेला को, बस हमें जो वहाँ पे जॉइंट मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो ये वाला पीस उठाऊंगी मैं और इसको इस तरीके से, ये मैंने 4 फोल्ड में कर दिया है और ये हमारा इस तरीके से इसमें जॉइंट हो जाएंगे। तो अब मैं अभी क्या कर रही हूँ, इसको इस तरीके से कटिंग कर लूँगी, मतलब अभी पूरा नापूँगी नहीं, और इसको जब जॉइंट कर लूँगी फिर से एक बार इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। यहाँ से दोनों जो हमारे 4 पीस हैं दोनों पीस फोल्ड हैं और ये भी दोनों पीस फोल्ड हैं यहाँ से ऊपर से, और यहाँ पर कट लगा लें ताकि ये इसी में जॉइंट होगा यहाँ से, और यहाँ पर भी मैं कट लगा लूँगी जो कि हमें पता रहेगा कि इसके यहाँ से बीचों बीच जॉइंट करना है। तो चलिए इसको जॉइंट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो है हम इसके ये जॉइंट कर लेंगे जो हमने ये काटे थे। तो ये देखिए मैंने कट लगाया हुआ था, ये घेरा है हमारा यहाँ पर भी, और ये जो टुकड़े हमने काटे थे इसको इस तरीके से रख के हम पिनअप कर लेंगे इसको।
तो हमारे दो पीस हैं ऐसे, तो एक पीस पे तो मैंने इस तरीके से जॉइंट लगा लिया है और दूसरे पीस में भी इसी तरीके से हम जॉइंट लगा लेंगे और बाद में फिर से इसको एक बार शेप देंगे जो हमारी सर्कल शेप थी नाप के अच्छे से। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये जॉइंट हमने जॉइंट किया है यहाँ पर जो है ओवरलॉक ज़रूर करना है। तो चलिए ये तो हम कर लेंगे, अब हम जोड़ लेते हैं जो हमारी लाइनिंग की कलियाँ हैं उनको। तो फ्रेंड्स जो हमारी कलियाँ थी लाइनिंग की वो भी मैंने जॉइंट कर ली हैं, तीन आगे की और तीन पीछे की थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी कलियाँ थी, जैसे कि ये बीच का पीस था और एक साइड की कली इस साइड और इस साइड की कली इस साइड, इस तरीके से जॉइंट होगा और बैक का भी इसी तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ जो है मैं आपको सिलाई करके नहीं दिखा रही, बस आपको इतना बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि जो मेरा फैब्रिक है साटन फैब्रिक है, बहुत ही स्लिपरी है और उसमें एक तो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बस आपको इस तरीके से बताऊँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ये हम कर लेंगे आगे का और पीछे का, तीन तीन पीस इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो कमर को जॉइंट करना है, मतलब कि लाइनिंग को और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके कमर को पकड़ के जॉइंट करना है, बैक और फ्रंट के हमारे इस तरीके से करना है। और फ्रेंड्स जो हमने अभी अपना जो मेन फैब्रिक में घेर में जॉइंट जोड़ा था उसे भी जो है आप एक बार फिर से नाप के और शेप दे दें, तो इस तरीके से मैं भी दे दूंगी, बस वीडियो लंबी ना हो इसी तरह इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, पर आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए कमर जॉइंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये लाइनिंग है, ये बीच का बड़ा पीस है और ये साइड के छोटे पीस मैंने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। ये हमारी कमर है, पर जो हमारा मेन फैब्रिक का कमर है वो गोलाई में कटा है तो वो थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि हम कितना भी नाप लें पर जब कोई भी चीज़ गोलाई में कटती है तो वो बड़ी हो ही जाती है, पर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम उसमें कहीं कहीं पर प्लेट लगा देंगे तो वो अच्छा भी लगेगा देखने में। तो ये हमारा इस तरीके से उल्टा नीचे रखा हुआ है मैंने और ये इस तरीके से सीधा ऊपर, इसके ऊपर हम उल्टा पीस रखेंगे अपना मेन फैब्रिक का। तो ये देखिए ये मेरा सीधा ऊपर रहेगा मेन फैब्रिक का और ये उल्टा सीधे के ऊपर, और ये कमर इसकी आप देखें तो बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं वो तो अच्छा है क्योंकि हम प्लेट्स लगा लेंगे तो और अच्छा लुक आएगा उससे। तो यहाँ से कोने से हम कमर को पकड़ेंगे और चार प्लेटें लगा देंगे थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे। तो फ्रेंड्स एक पीस तो मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है और दूसरा पीस भी हमें इसी तरीके से कमर से जॉइंट कर लिया है। और अब क्या करेंगे हम कि इसको एक तरफ से पूरा हम जॉइंट कर लेंगे एक साइड से, और एक साइड से अभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसमें मतलब कि अलग अलग जॉइंट करेंगे, लाइनिंग को अलग और मेन फैब्रिक को अलग, दोनों को साथ में नहीं जॉइंट करेंगे क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है वो बहुत घेरदार है और लाइनिंग इतना बड़ा नहीं है, तो अलग अलग इनको जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड जो हमारा दूसरा पीस था उसको भी हमने कमर से जॉइंट कर लिया है। अब क्या करना है हमें इसको साइड से सिलाई करनी है, पूरा बंद करना है एक तरफ से। तो ये आप देख रहे होंगे दो हमारे मेन फैब्रिक है और दो लाइनिंग है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, पहले मेन फैब्रिक को सिलाई करनी है दोनों पकड़ के पीस, और लाइनिंग को पकड़ के करना है, फिर एक साथ इनको नहीं जोड़ना है चारों को, क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका घेर बहुत ज़्यादा है और ये वाला जो है लाइनिंग का छोटा है। तो सबसे पहले हमें इसको कमर से थोड़ा सा यहाँ तक चारों को पकड़ के एक साथ आएंगे, सिर्फ यहाँ तक, फिर बाद में हम इनको अलग अलग कर देंगे।
तो फ्रेंड्स जो दूसरा साइड है उसको भी हमें जॉइंट करना है, पर इसको सिर्फ जो है 7 इंच तक ही हम चारों पीस को मिला के हम जॉइंट करेंगे। बाद में इनको भी अलग अलग कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लगानी है जिप, क्योंकि जो हमारी कमर है वो बिल्कुल फिक्स है इसलिए जिप तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये चारों पीस पकड़कर मैं एक साथ 7 इंच तक चलूँगी, फिर अलग अलग कर दूँगी इनको। और ये यहाँ पर जो चारों पीस एक साथ मैं पकड़ूंगी, यहाँ पर भी हमें कच्ची सिलाई देनी है ताकि हम जिप लगा के बाद में उस सिलाई को हटा दें। तो सिर्फ 7 इंच तक मैं निशान लगा लूँगी यहाँ पर। तो फ्रेंड जितना हमने 7 इंच का ऊपर छोड़ा था वहाँ पे हम जिप लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से खोल लें, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जिप है हमारी, इनविजिबल जिप है, तो ये वाला आप फ्लैट वाला हिस्सा देख रहे होंगे ये सीधा है, और ये वाला इस तरीके से ये उल्टा है। तो हमें ये इस तरीके से रखना है, और ये जो जिप है ये हमारी ये जो सिलाई है इसके बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। आप किसी तरीके से भी ऐसे कर सकते हैं, पिन अप करके भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा इसी तरीके से स्कर्ट पे लगा के इस तरीके से सिलाई नहीं कर लेंगे, वो हमारी सिलाई जो है फिर स्कर्ट पे उस साइड से नज़र आएगी। पर इनविजिबल का नाम है कि आपका जिप का पता ना चले, मतलब कि सिलाई ना दिखाई दे। तो ये जो हमारा मार्जिन है इसी मार्जिन को पकड़ कर और ये हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और यहाँ पर आनी है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए लगा लेते हैं। अब क्या करना है हमें, सुई अंदर ही रहेगी, सिर्फ फुट ऊपर करना है हमें इस तरीके से। और इसको निकाल लेंगे। अब ये वाला मार्जिन पकड़ेंगे, जैसे कि हम ये वाला मार्जिन लेके चले थे सिर्फ उसी के ऊपर। अब इस वाले मार्जिन को पकड़ना है और स्कर्ट पूरी उधर कर देना है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको अभी जिप दिख रही होगी, पर अभी हमें और करना है इसको। तो इस तरीके से मैं इसको खोल लूँगी सबसे पहले। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले इसको खोल लिया। अब क्या करना है, ऐसे करना है। अब जो सिलाई लगेगी वो बिल्कुल इस तरीके से, ये थोड़ा सा हल्का सा ना इस तरीके से खोलना होता है, और बिल्कुल किनारी पर हमारी सिलाई लगेगी एक और अब की बार जो सिलाई लगेगी वो हम चेन को खोल कर लगाएंगे। ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से करना है आपको। दूसरी साइड भी इसी तरीके से करेंगे।
तो ये देखिए हमारी जिप लग गई है और अब आप देख रहे होंगे कुछ ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट काम बचता है वो है बेल्ट का, तो चलिए बेल्ट भी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेल्ट के लिए मैंने तैयार किया हुआ है, जो आप बुकरम की चौड़ाई देख रहे हैं वो 2 इंच है और इससे बड़ा कपड़े पे मैंने इस तरीके से चिपका दिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा यहाँ पे भी रहना चाहिए और यहाँ पे भी रहना चाहिए, तो ध्यान रहे कि इतना बड़ा कपड़ा हो। और इसकी जो लंबाई की मैं बात करूँ तो जितना हमारा पूरा उसकी कमर है उतना ही है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ से मैं जॉइंट करूँगी, तो ये देखिए सीधा साइड है ये हमारा जिप और यहाँ पर इस तरीके से हमें रखना है, आधा इंच इस तरीके से निकालते हुए बेल्ट को और हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बेल्ट तो मैंने लगा लिया और ध्यान रहे कि बेल्ट आपके कमर से थोड़ा बड़ा ही हो, क्योंकि इतना इतना तो हमें चाहिए ही बाहर निकला हुआ। अब क्या करेंगे, एक और कपड़ा लेंगे। तो ये मैंने जो हमने लाइनिंग का कपड़ा लगाया है वो ही मैंने यहाँ पे लिया है और ये थोड़ा सा कड़क कपड़ा है इसलिए मैंने लिया है ताकि हमें लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से ये रखना है, यहाँ से पूरा बराबर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर जो है हम स्टिच कर देंगे, ये इतना कपड़ा पकड़ना है। चलिए कर लेते हैं पूरे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इस तरीके से करना है, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको हमें इस तरीके से अंदर मोड़ना है, इस तरीके से जैसे ये मुड़ गया। अब आपको क्या करना है, जो हमारे ये वाले पैंट के या जो स्कर्ट के हुक आते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है ये हुक हमारे लग जाएंगे। तो ये 3 छेद दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें धागे से पक्का करना है सुई से। और एक मैं यहाँ पे 2 हुक लगाऊंगी क्योंकि जो मेरी बेल्ट की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो इस तरीके से लग जाएगा। और जब हम सिलाई कर लेंगे अपने धागे से, इन हुक को पक्का कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला कपड़ा जो है यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा इसके ऊपर। तो सिर्फ हमें ये वाली चीज़ ही मिलेगी यहाँ पर सामने देखने को और ये इस तरीके से जो है फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हुक तो सबको लगाने आते हैं, मैं हुक लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस साइड तो मैंने हुक लगा लिया है, यहाँ पर मैं बाद में बताती हूँ आपको। और यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें दूसरे वाले हुक लगाने हैं जिसमें वो हुक लगते हैं। तो पहले इसको हम इस तरीके से करेंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरीके से जो है हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा ये। और बाकी यहाँ से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है इस तरीके से, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे मार्जिन को अंदर करते हुए, ये मार्जिन पूरा अंदर चला जाएगा। चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स पूरा ये हमारा लास्ट तक हो गया है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हुक मैंने लगा लिया है, दूसरा भी इसी के नीचे लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाले जो हुक हैं यहाँ से हमारी अभी सिलाई नहीं हुई है आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से जो सुई होती है ना उससे हम बिल्कुल छोटे छोटे टाँके लगाएंगे, जैसे बोरी टाँका हम लगाते हैं ना
वैसा यहाँ पे लग जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बेल्ट भी हमारी लग चुकी है, अब हमारा जो इसमें लास्ट काम बचता है वो नीचे घेरे का बचता है। तो फ्रेंड्स पूरा रेडी है हमारा स्कर्ट, ये देखिए, और ये यहाँ पे मैंने दोनों हुक भी लगा लिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसका जो लास्ट काम है वो है नीचे घेरा, तो घेरे पे जो है मैं पीको करवाऊंगी, उससे बहुत अच्छा गोल गोल जो पीको होता है बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।